यहाँ पर हमने पोको F5 डिवाइस के ऊपर चेरी सोएस 5.0 का जो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट है इंस्टॉल किया है, एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस रॉम का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप एंड नया फीचर्स के बारे में बात करने वाले है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं पर होम स्क्रीन के साथ। तो कुछ इस तरह से होम स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर थीम आइकन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, बैटरी विजेट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो कुछ इस तरह से कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर जितने भी आइकन है, यहाँ पर जो वाईफाई आइकन है, ब्लूटूथ आइकन है, फ्लैश आइकन है, सभी आइकन का हमने यहाँ पर कस्टमाइज किया है। ब्राइटनेस स्लाइडर के साथ भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर iOS 16 का जो बैटरी परसेंटेज है हमने यहाँ पर जो है एनेबल किया है। पावर मेनू की अगर बात करें, पावर मेनू के साथ भी यहाँ पर ब्लर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम यूआई को रिबूट कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा। जो वॉल्यूम पैनल है कंप्लीटली यहाँ पर जो है चेंज हो गया है। वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉइड 14 के साथ जो है यहाँ पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड कुछ इस तरह से जो है ऐप ड्रॉयर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है आप सिंपली कॉल को रिकॉर्ड भी कर पाओगे। प्लस यहाँ पर जो MIUI कैमरा एप्लीकेशन है ऐड किया गया है, पर 2x अल्ट्रावाइड लेंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लाइका कैमरा एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर HDR मोड, AI कैमरा, मैक्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, नाइट मोड का ऑप्शन है, 10x तक जूम का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर ब्लॉक, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, यहाँ पर सुपर मून मोड को भी ऐड किया गया है। सुपर मून मोड का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस 4K 60fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। टेलीबम्प्ट और ऑडियो जूम का ऑप्शन है। AI कैमरा का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर लाइका कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो है सभी जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर रहा है। प्लस यहाँ पर कैमरा टू पे के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने GCam 9.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। GCam का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। इस रॉम के साथ जो है पर प्ले स्टोर अवेलेबल है, जी एप्स अवेलेबल है, आपको अलग से जो है जी एप्स को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना होगा। बाकी यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर होम स्क्रीन, क्विक सेटिंग्स, इवन सेटिंग्स के साथ भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर डेटा यूजेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें कुछ इस तरह से जो है सेटिंग्स मेनू देखने को मिलेगा। अगर बात करें पर अबाउट फोन के बारे में तो यहाँ पर हमने जो है चेरी सोएस 5.0 का जो ऑफिशियल अपडेट है इंस्टॉल किया है। एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर लेटेस्ट नवंबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा 5.10 कर्नेल के साथ, एंड एज बिल्ड है दोस्तों इनफोर्सिंग वाला बिल्ड है। एंड सेटिंग्स में भी कंप्लीटली पर जो रीडिजाइन हो गया है, नया वाला जो UI है देखने को मिल जाएगा। एंड अबाउट फोन भी कंप्लीटली अपर जो है रीडिजाइन हो गया है। चेरी सोएस का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रॉम को जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्विक टैप नाउ ब्लिंक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस आइकन पैक वॉल्यूम स्टाइल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले पर बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 7280 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। पोको F5 के साथ, गीकबेंच 5.5.1 के साथ, सिंगल कोर के साथ 1074, मल्टी कोर के साथ जो है 3798 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड गीकबेंच 6.2.2 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 1524, मल्टी कोर के साथ जो है 4451 का जो स्कोर है देखने को मिलता है। गीकबेंच 5, गीकबेंच 6 के साथ जो है काफी बढ़िया जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेपनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे, फोन पे, इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो ये जो रॉम है, इस रॉम को हम यहाँ पर लगभग यूज कर रहे हैं यहाँ पर
फोर्थ डेज हो चुका है एंड इस रॉम के साथ जो बैटरी बैकअप का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है, पर बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। 120 हर्ट्ज के साथ जो है लगभग 7 आवर्स से भी ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एक हेवी यूजर हो तो डेफिनेटली आप जिस रॉम की यूज कर सकते हो, काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ओवरनाइट बैटरी रेंज जो है सबसे कम देखने को मिला है, लगभग 1% के आसपास जो है ओवरनाइट बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है। यहाँ पर बैटरी बैकअप भी बढ़िया है, प्लस बैटरी रेंज भी काफी कम देखने को मिल जाएगा। एनीवे यहाँ पर जो है नेविगेशन मोड को ऐड किया गया है, गेस्चर्स नेविगेशन, 2-बटन नेविगेशन, 3-बटन नेविगेशन का ऑप्शन है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन है, ऐप लैंग्वेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद यहाँ पर जो पावर बटन है इसे लॉन्ग टैप करके आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। 100 मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके आप जो 100 मोड को एनेबल कर पाओगे। लेफ्ट टू चेक फोन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है, डबल टैप का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। डबल टैप करके आप जो नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, गेस्ट्स के साथ आप जो स्क्रीनशॉट क्लिक कर पाओगे। एंड यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर रहा है, प्लस यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो यहाँ पर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। प्लस यहाँ पर रैपिड एनिमेशन को ऐड किया गया है, एंड्रॉयड 14 के साथ आप जो है फेस अनलॉक को भी यूज कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है एक्स्ट्रा टीम का ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक लाइव कैप्शन, फ्लैश नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली जब भी आपके डिवाइस को नोटिफिकेशन आएगा कुछ इस तरह से कैमरा फ्लैश जो है काम करेगा। यहाँ पर एंड्रॉयड 14 के साथ जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन है, नाइट लाइट लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले व्हाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, ब्लर को एनेबल कर सकते हो, फुल स्क्रीन एप्स का जो ऑप्शन है काम कट जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, सिम 1 सिम 2 के लिए अलग अलग रिंगटोन को सेट कर सकते हो, लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रीनशॉट साउंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ एनहांस नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। बाकी यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, फ्लैशलाइट काम कर जाएगा, वॉल्टी यहाँ पर काम कर जाएगा। कस्टमाइजेशन की अगर बात करें बट चेरी सेटिंग्स को ऐड किया गया है, यहाँ पर सरस भर के साथ जो है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, बैटरी आइकॉन स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सरस भर आइकॉन का ऑप्शन है, डेटा डिजेबल आइकॉन का जो ऑप्शन से पर ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर वॉल्टी आइकॉन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, इवन जो वो वाईफाई का जो आइकॉन इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। 4G आइकन का ऑप्शन है, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, सरस भर के साथ जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, माइक कैमरा लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप ऑन सरस भर का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। क्विक सेटिंग्स के साथ जो है यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ब्लर है इसे भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, वर्टिकल लेआउट का ऑप्शन है, ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हो, डेटा यूजेस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। थीम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल को आप कस्टमाइज कर सकते हो, फॉन्ट को सिलेक्ट कर पाओगे, आइकॉन पैक, डेटा आइकॉन स्टाइल, सिग्नल आइकॉन स्टाइल, इवन जो वॉल्यूम पैनल स्टाइल इसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, एंड वाईफाई आइकॉन स्टाइल को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर पावर बटन के साथ जो है कॉल को बंद कर पाओगे, वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को पिकअप कर सकते हो, कॉल कैंसिल कर पाओगे, गानों को जो है स्किप करने के लिए प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। एनिमेशन के ऊपर अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। लॉक स्क्रीन के साथ जो है डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन एंड लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। पावर बटन के साथ जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, इसे ऐड किया गया है, यहाँ पर पावर मेनू को कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है।
या पर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है इस रॉम के साथ। तो डेफिनेटली पोको F5 डिवाइस के ऊपर चेरिसओएस 5.0 का जो अपडेट है इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके जो आप इंस्टॉलेशन वीडियो को भी चेकआउट करके देखो, यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल जाएगा, बैटरी बैकअप बढ़िया देखने को मिलेगा एंड बैटरी ड्रेन भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। प्लस लेटेस्ट फीचर को भी ऐड किया गया है, पर जो सेटिंग्स UI है कम्प्लीटली पर जो रीडिजाइन हो गया है, नया वाला जो यूजर इंटरफेस है देखने को मिलेगा, काफ़ी स्मूथ UI देखने को मिलता है। प्लस एंड्रॉयड 14 के साथ भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।